जय बद्री विशाल। संपूर्ण पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान है भारत, और भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री बद्री धाम, जहां पर स्वयं श्री नारायण हर पल हर घड़ी विराजमान रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में श्री नारायण का प्रिय स्थान और प्राणी को मोक्ष पाने का एकमात्र स्थान श्री बद्री धाम, और यहीं से एक रास्ता जाता है जहां से प्राणी शरीर के सहित स्वर्ग जा सकता है, जिसकी यात्रा सब यात्राओं से सर्वश्रेष्ठ है, और ये स्थान है स्वर्गारोहिणी, यानी कि स्वर्ग जाने का दुनिया में एकमात्र स्थान स्वर्गारोहिणी, जहां से धर्मराज युधिष्ठर शरीर के सहित स्वर्ग गए। अतः ये वही स्थान है जहां पर युधिष्ठर को लेने के लिए पुष्पक विमान आया था। यहीं पर है दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा तीर्थ सतोपंथ सरोवर, जहां पर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन इस पवित्र सरोवर में स्नान आदि करके तपस्या करते हैं। ये वो तपस्थली है जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत मुनिजन ललायत रहते हैं। आइए अब हम आपको सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, चक्रतीर्थ, सहस्त्रधारा, लक्ष्मीवन, वसुधारा एवं बद्री धाम के अन्य पुण्य तीर्थों की यात्रा कराते हैं, जो कि हर प्राणी के लिए अति दुर्लभ है। ये यात्रा वो ही मनुष्य कर सकता है जिस पर भगवान की अति कृपा हो। ये स्वर्ग यात्रा सर्वप्रथम 5 पांडवों ने की थी, परंतु स्वर्गारोहिणी तक केवल धर्मराज युधिष्ठर ही जा सके। भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम विद्यमान हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्री धाम को ही माना गया, क्योंकि इस धाम को शास्त्रों वेद पुराणों ने भूवैकुंठ के नाम से जाना है। ये धाम आदि अनादि है। और जब श्री नारायण आत्मचिंतन के लिए यहां पर आए तो उनकी योग माया पर्वतों के रूप में चारों ओर उतर आई। एक भैरवी चक्र आकाश में, एक भैरवी चक्र पृथ्वी के नीचे स्थित हो गया, और जहां पर स्वयं श्री नारायण विराजमान होते हैं वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। अतः जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, रजतन को नित अपने शीश पे रखते हैं। और तभी से बद्री धाम को भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाला हर प्राणी भी विष्णु रूप हो जाता है। इस भूमि पर रहने वाला हर जीव साधक नहीं बल्कि सिद्ध होता है।
दुनिया में किया हुआ हर पाप श्री बद्री धाम आकर धुल जाता है। नारायण की नगरी गए ये जग कल्याणी नगरी गए ये अलकनंदा धारणी नगरी जहाँ पाप सभी के कटते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। यात्री श्री बद्री धाम की यात्रा बस के द्वारा या अपने वाहनों के द्वारा रास्ते में सुंदर घाटियों सुंदर रास्तों से होकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए श्री बद्री धाम पहुंचते हैं और बद्री धाम में पहुंचकर सबसे पहले अपने पुरोहितों से मिलकर रहने की व्यवस्था करते हैं। दूसरे दिन तप्त कुंड में स्नान आदि करते हैं। ये तप्त कुंड पंचशिलाओं के मध्य है। यहाँ पर गर्म जल का कुंड है। ये गर्म जल भगवान बद्री विशाल के चरणों से आता है। भगवान का अद्भुत करिश्मा देखो, एक तरफ इतना गर्म जल कि हाथ नहीं लगाया जाता और दूसरी ओर माँ अलकनंदा का इतना ठंडा जल कि हाथ डुबोया नहीं जाता। सच पूछिए, दोनों जल प्रभु के चरणों से ही निकलते हैं। यात्री यहाँ पर स्नान करके अपने पुरोहितों से पूजन आदि करवाते हैं। यहाँ पर दान देने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। विष्णु नारायण 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 यात्रीगण दान दक्षिणा से निवृत्त होकर माँ अलकनंदा के दर्शन के लिए जाते हैं। ये नारद शिला है। यहाँ पर यात्री स्नान करके प्रणाम एवं आचमन करते हैं। यहाँ पर गरुड़ शिला के नीचे भगवान बद्री विशाल के लिए चंदन घिसकर तैयार करते हैं। तप्त कुंड के ऊपर गरुड़ शिला के पास भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर है। यात्री को सर्वप्रथम आदि केदारेश्वर के दर्शन करके ही श्री बद्री धाम जी के दर्शन करने चाहिए, तभी यात्रा सफल होती है। भगवान आदि केदारेश्वर के दर्शनों के बाद यात्री प्रसाद की दुकान पर पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद की थाली माला लेकर जाते हैं। यहाँ पर तुलसी की माला या फिर हिमालय के फूलों की माला चढ़ती है। इस माला की विशेषता यह है कि ये कभी मुरझाती नहीं और हमेशा ताजी दिखाई देती है। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना अभिषेक आदि का अधिकार केवल केरल के नंबूदरी परिवार के ब्राह्मण को ही होता है। ये ब्राह्मण बाल ब्रह्मचारी होते हैं, अतः ये भगवान बद्री विशाल के प्रधान पुजारी हैं। इन्हें रावल जी कहते हैं। श्री रावल जी जब भी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना या भोग लगाने के लिए जाते हैं, इन्हें उतनी ही बार स्नान करना पड़ता है। अतः जब भी रावल जी भगवान की पूजा के लिए जाते हैं, इन्हें बड़े सम्मान के साथ लेकर जाते हैं। रावल जी के सम्मान में इनके आगे एक स्वर्ण की छड़ी लेकर चलते हैं। श्री रावल जी को उस समय कोई भी नहीं छू सकता, इस बात का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। आइए हम भी इनके साथ चलकर भगवान के दर्शन करके आरती का आनंद लेते हैं। बद्रीनाथ विश्वंभरम्
घाट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम शीश सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम लक्ष्मी गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वंभरम् सभी यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं, जबकि बद्री धाम में अन्य कई पुण्य तीर्थ हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही यात्री धन्य हो जाता है। तो आइए अब हम आपको बद्री धाम के अन्य तीर्थों के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम आपको नीलकंठ के नीचे चरण पादुका के दर्शन कराने ले चलते हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी ओर ऋषि गंगा की तरफ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका है। एक बड़ी ही सुंदर पगडंडी आपको नीलकंठ पर्वत की ओर ले जाएगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको संतों की गुफाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये संत कभी वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ एक छोटा सा टाट कमर पर लपेटे रहते हैं और भगवान के नाम का रसपान करते रहते हैं। चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको इतना सुंदर मनमोहक एवं शुद्ध वातावरण मिलेगा जिसे देखकर आप आनंदित हो जाएंगे। चारों तरफ शांति ही शांति, प्यारे प्यारे झरने। लगता है कि यहां बैठकर भगवान का सुमिरन करने में लीन हो जाएं। इस घाटी में अनेक कुटिया गुफाएं हैं जहां पर साधु महात्मा तपस्या में लीन हैं। यहीं सामने ही शिला पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। यहीं से ऊपर 6-7 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत की जड़ में ब्रह्म कमल होते हैं। ये वही ब्रह्म कमल हैं जिन्हें लेने के लिए भीम जी आए थे। पुराणों में लिखा है कि श्रावण मास में भगवान शिव को 100 फूल सोने के चढ़ाओ या फिर 1 ब्रह्म कमल चढ़ाओ, दोनों एक बराबर हैं। चरण पादुका के पास ही एक बहुत सुंदर एवं अद्भुत गुफा है जो अंदर से बहुत ही गहरी है। भीतर अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं देता। ये गुफा आधुनिक है। ये भारती बाबा जी 12 महीने श्री बद्रीधाम में ही रहते हैं। सामने ऋषि गंगा के पास एक शिला है। इस शिला को लीला ढुंग के नाम से जाना जाता है। यहां पर भगवान नारायण ने बालक बनकर लीला रची थी, इसलिए इस शिला को लीला ढुंग के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बामणी गांव है और गांव के ऊपर ये छोटा सा मंदिर उर्वशी मंदिर है। इस उर्वशी देवी को श्री नारायण ने अपनी जंघा से उत्पन्न किया था। ये नर पर्वत है जहां पर नर ने तपस्या की थी। ये नारायण पर्वत है, यहां पर नारायण ने तपस्या की थी, अतः मंदिर भी नारायण पर्वत पर स्थित है। बसा हिमालय पर उत्तर में पावन बद्रीनाथ, नारायण ने यही तपस्या की थी नर के साथ। नर नारायण भगवान के 24 अवतारों में से 4थे अवतार हैं और ये अवतार जन कल्याण हेतु तपस्वी का रूप धरकर आए। अतः द्वापर में यही नर और नारायण श्री कृष्ण
और अर्जुन बन कर आए। प्रिय भक्तों, अब हम आपको एक दिव्य तीर्थ के दर्शन कराते हैं। यह तीर्थ ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यात्री अपने पितरों को तर्पण व पिंडदान करते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं। अतः यहाँ पर पिंड प्रदान करने के बाद मनुष्य को फिर कभी पिंडदान नहीं करना पड़ता। इस तीर्थ की कथा इस प्रकार है। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया था, तो भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था और ब्रह्मा जी का शीश शिव के हाथों पर चिपक गया। अतः भगवान शिव ने इस पाप से मुक्त होने के लिए अनेकों उपाय किए, नाना प्रकार के तीर्थों पर गए, परंतु भगवान शिव ना तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए, ना ही उनके हाथों से ब्रह्मा जी का शीश छूटा। भक्तों, अंत में भगवान शिव बद्री धाम में ब्रह्म कुंड के पास गए तो अचानक एक घटना घटी। यहां पर आते ही भगवान शिव के हाथों से ब्रह्मा जी का शीश छूट गया और भगवान शिव ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो भी प्राणी यहां पर अपने पितरों को पिंड दान करेगा, उसकी 7 पीढ़ियों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अतः यहां पर पिंड दान करने के बाद मनुष्य को दोबारा अपने पितरों को पिंड दान नहीं देना पड़ता। इसलिए यात्री यहां आकर अपने पितरों को पिंड दान जरूर करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं बद्री धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव। शास्त्रों में इस गांव को मणिभद्रपुरम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यहां गांधर्व रहा करते थे। इस गांव के लोग बड़े ही कर्मठकारी होते हैं। यहां के लोग घर घर में बड़े ही सुंदर कालीन और पूजा आसन बनाते हैं, जिन्हें यात्रीगण खरीदकर घर ले जाते हैं। यहां के लोगों का रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज एकदम भिन्न है। इनका कुल देवता घंटाकर्ण है, जो भगवान बद्री विशाल के क्षेत्रपाल हैं। माणा गांव के पास ही गणेश गुफा है। यात्री यहां पर दर्शन हेतु आते हैं। यहां की कथा इस प्रकार है। भगवान वेद व्यास जी को पुराण लिखने के लिए एक अच्छा लेखक चाहिए था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, तो ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को गणेश जी का आह्वान करने को कहा। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया तो गणेश जी प्रकट हुए। अतः वेद व्यास जी के अनुरोध प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी वेद व्यास जी के लेखक बने। भक्तों, ये वही स्थान है जहां पर गणेश जी ने पुराणों का लेखन किया। अतः तब से ये स्थान गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। गणेश गुफा के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे व्यास गुफा। व्यास गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला है। इस शिला का आकार पत्राकार है। यही वो स्थान है जहां पर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। यहीं पर देवऋषि नारद के कहने पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तभी से श्री बद्री धाम को भागवत महापुराण की जन्मभूमि भी कहते हैं। इसलिए बद्री धाम में बड़े बड़े संत महात्मा, ज्ञानी, महापुरुष यहाँ आकर भागवत करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि वैकुंठ धाम में एक घड़ी भागवत कथा सुनना 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी कहीं ज्यादा पुण्य माना गया है। इसीलिए श्री बद्री धाम में भक्तजन भागवत कथा बहुत ही तन्मय होकर सुनते हैं। रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा। व्यास गुफा के दाहिनी ओर नीचे उतरने पर मां सरस्वती के साक्षात दर्शन केवल यहीं पर होते हैं। अन्य जगह मां सरस्वती अदृश्य रूप में रहती है। जो भी प्राणी मां सरस्वती में स्नान, ध्यान, पूजा आदि करते हैं, उनके कुल में कभी कोई अज्ञानी नहीं होता।
सरस्वती नदी का प्रवाह इतना तीव्र है कि यात्री देखकर एक बार डर ही जाता है। जब पांच पांडव स्वर्ग गए थे तो यहीं से गए थे। नदी के प्रवाह को देखकर द्रौपदी डर गई थी, अतः नदी को पार नहीं कर पाई। ये देखकर भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर दोनों पर्वतों के मध्य रख दिया, अतः द्रौपदी उस शिला के ऊपर से होकर पार हो गई। तब से इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर जाकर रास्ते में एक कुलदेवी का मंदिर आता है। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी इसी मंदिर तक ही जा सकी और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था, और तब से यहां पर देवी के रूप में पूजी जाती हैं। भक्तों, यात्री दिन भर इन तीर्थनों के दर्शन करता है, अतः संध्या के समय बद्री धाम पहुंचकर मां अलकनंदा की दिव्य आरती में शामिल होता है। मां अलकनंदा की आरती के बाद यात्री मंदिर की संध्याकालीन पूजा व शयन आरती में शामिल होकर अपनी यात्रा सफल करता है। श्री बद्री धाम के दिव्य तीर्थों के दर्शनों के बाद हम आपको स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर लेकर चलते हैं, जो यात्रा अति दुर्लभ यात्रा है। श्री बद्री धाम में करोड़ों यात्री आते हैं, परंतु सतोपंथ स्वर्गारोहिणी की यात्रा चंद प्राणी ही कर सकते हैं, या फिर जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही प्राणी स्वर्गारोहिणी की यात्रा कर सकता है। इस यात्रा के बारे में आइए सुनते हैं विद्वान जन क्या कहते हैं। सत्यपंथ, सत्यपंथ सत्यपथ, सत्यपथ अर्थात जहां सत्य ही सत्य है। और जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान सत्यनारायण को, भगवान नारायण को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम सत्य है। वो स्वर्गारोहिणी पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में दिखाई पड़ता है। सीढ़ी के माध्यम से यात्रियों को एक दिशा प्राप्त होगी। असंभव है कि इसी को आधार मान करके प्रत्येक वर्ष यात्री शतोपंथ की यात्रा के लिए अग्रसर होंगे और उन्हें इस सीढ़ी के माध्यम से तत्त स्थलों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। टी सीरीज द्वारा हमारे गोदिया जी के द्वारा एक सतोपंथ की यात्रा का शुभारंभ किया हुआ है। बहुत अच्छे प्रयास है, ये बहुत ही कठिन रास्ता है, तब आम भक्त लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे। जिनका भावना है वो टी सीरीज के कैसेट के द्वारा देख सकते। ये यात्रा महापुरुषों के आशीर्वाद को लेकर और यहाँ के प्रमुख अधिकारियों से आज्ञा लेकर ही की जा सकती है। यात्री मंदिर में भगवान बद्री विशाल का दर्शन करके भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जय तेरा धाम, गाओ भजन में सुबह शाम। जय बद्री जय तेरा धाम, गाओ भजन में सुबह शाम। आज मिला है तेरी कृपा से मुझको सबका प्यार, मुझको सबका प्यार। जय जय बद्री धाम। और श्री नारायण का ध्वज लेकर बद्री विशाल की जय जयकार करते हुए बाजे नगाड़ों के साथ ये यात्रा शुरू होती है। आज मिला है तेरी कृपा से मुझको सबका प्यार, बद्रीनाथ तेरी महिमा जग में अपरंपार। आज मिला है तेरी कृपा से हमको तेरा प्यार। जय जय बद्री। देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है, सब लोग स्वर्गारोहिणी जा रहे हैं, सब में एक आत्मविश्वास होता है।
चारों धाम में तेरे धाम का नाम है ऊंचा ईश्वर। ये यात्रा या तो जून में या फिर 20 अगस्त के आसपास होती है, क्योंकि यही समय उचित है यात्रा के लिए। तेरी धरा पे भक्तों को मुक्ति मिलती है अविराम, मिलती है अविराम। जय जय बद्री धाम, जय जय बद्री धाम। बद्रीनाथ तेरी महिमा जग में अपरंपार, आज मिला है तेरी कृपा से हमको तेरा प्यार। जय जय बद्री धाम, जय जय बद्री धाम। श्री बद्री धाम से सतो पंत 25-26 किलोमीटर की दूरी पर है। तूने सदा निज भक्तों को अपनाया हर मुश्किल में, आज मुझे अपनों से मिलाकर भर दी खुशियाँ दिल में। प्राण रहेंगे जब तक तन में, लूंगा तेरा नाम, लूंगा तेरा नाम। जय जय बद्री धाम, जय जय बद्री धाम। बद्रीनाथ तेरी महिमा जग में अपरंपार, आज मिला है तेरी कृपा से हमको तेरा प्यार। जय जय बद्री धाम, जय जय बद्रीनाथ तेरी महिमा जग में अपरंपार, आज मिला है तेरी कृपा से मुझको सबका प्यार। बद्रीनाथ तेरी महिमा जग में अपरंपार, आज मिला है तेरी कृपा से हमको तेरा प्यार। जय जय बद्री धाम, जय जय। ये पैदल मार्ग माणा गांव की ओर जाता है। दो किलोमीटर बाद एक शिला पर नाग नागिन का जोड़ा है। बोलो नारायण नारायण। और यहीं से प्राकृतिक नजारे शुरू हो जाते हैं। भजो नारायण नारायण हरि हरि। ये भृगु गुफा है, यहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता, कहीं बर्फीली चट्टानें, कहीं पथरीले पहाड़, सब कुछ बड़ा मनमोहक लगता है, दिलकश लगता है। भक्तों के प्यारे हरि हरि। आधार हमारे हरि हरि। तन मन में बसे हैं हरि हरि। कण कण में बसे हैं हरि।
3 किलोमीटर की दूरी पर माता मूर्ति का मंदिर है। माता मूर्ति धर्म की पत्नी है और भगवान श्री नर नारायण की माता है। यहाँ वर्ष में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान श्री नर नारायण 52वीं द्वादशी के दिन यहाँ अपनी माता के पास आते हैं और भोजन पाते हैं। यात्री यहाँ पर पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर पर पगडंडी प्रारंभ हो जाती है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ माँ अलकनंदा का संगीत। पगडंडी बहुत छोटी है, एक साथ 2 व्यक्ति नहीं चल सकते। सब यात्रियों के पास पिट्ठू बैग होना जरूरी है। इसमें यात्री अपने पास पानी की बोतल, बिस्किट, चने, बादाम, काजू, दवाइयां रखता है और ये सामान यात्रा में जरूरी भी है। अन्य सामान जैसे टेंट, तिरपाल, स्लीपिंग बैग, खाने पीने के सामान, स्टोव, मिट्टी का तेल, टॉर्च, छोटा गैस सिलेंडर इत्यादि, ये सब सामान के लिए कुली यानी पोर्टर करना आवश्यक है। इस यात्रा में वही पोर्टर जा सकता है जो पहले भी गया हो। हर कोई पोर्टर भी यहाँ नहीं जा सकता और इस यात्रा में गाइड लेना भी अति आवश्यक है। इस यात्रा में हम सब 32 यात्री हैं। देखते हैं इनमें से कितने यात्री स्वर्गारोहिणी तक जा सकते हैं। जय जय श्री मन नारायण बद्री नारायण नारायण। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हैं आनंदवन। निस्संदेह ये आनंदवन है। चारों ओर लहराते हुए हजारों फूलों के बड़े बड़े पौधे, नाना प्रकार के पुष्प, भीनी भीनी सुगंध का इन फूलों के बीच में से होकर गुजरना बहुत ही मन लुभावना है। सृष्टि दाता नारायण, भाग्य विधाता नारायण। यात्री का हृदय बाग बाग हो जाता है, दिल आनंद से झूम उठता है। शायद इसलिए इस जगह का नाम आनंदवन रखा गया होगा। ये दृश्य आदमी के हृदय को स्पर्श कर जाता है। मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, भजले प्राणी नारायण। मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, भजले प्राणी नारायण। जय जय श्री मन नारायण बद्री नारायण नारायण। आनंदवन के पश्चात एक जगह ग्लेशियर आता है। ऊपर ग्लेशियर, नीचे से अलकनंदा का पहाड़ी जोश देखकर कुछ डर भी लगता है। कृष्ण रूप में नारायण, राम रूप है। यहां पर रास्ता कुछ मुश्किल है। रूप में नारायण, एक दूसरे को पकड़कर ही पार करना पड़ता है। रूप में नारायण, चारों धाम है नारायण। नरसिंह रूप में नारायण, चारों धाम है नारायण। जय जय श्री मन नारायण। इन चट्टानों को पार करके इसी ग्लेशियर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। कभी कभी यहाँ से चलना खतरनाक हो जाता है क्योंकि ग्लेशियर फटने का डर होता है। परंतु यात्री जय बद्री विशाल करते करते भगवान को याद करते हुए चलते रहते हैं। थोड़ी चढ़ाई पार करने के बाद एक मैदान सा आ जाता है। यहाँ पर कुछ विश्राम किया जाए, अतः यात्री
यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करते हैं। सामने अलकनंदा के पार 6 फुटी पगडंडी है जो वसुधारा तक जाती है। ऊपर पहाड़ की चोटियों से मोतियों को बिखेरती हुई धारा का जल मोतियों के समान दिखाई देता है। हवा के झोंकों के साथ जब वसुधारा की पावन धारा बहती है तो ऐसा लगता है कि बूंद बूंद में हर हर का शब्द सुनाई दे रहा है। ये वसुधारा साधारण नहीं है। स्कंद पुराण में इस झरने की विशेषता लिखी हुई है कि जो प्राणी पाखंडी एवं पापी हो उस पर इस धारा का जल नहीं गिरता। कथा में कहा गया है कि देवर्षि नारद जी ने अष्टवसुओं के सामने श्री बद्री धाम की इतनी प्रशंसा की कि अष्टवसु यहाँ आकर तपस्या करने लगे और 30,000 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें श्री नारायण के दर्शन हुए। अतः श्री नारायण ने अष्टवसुओं की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें भक्ति का वरदान दिया। तभी से ये परम पावन तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात हुआ। वसुधारा से 3 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मी वन है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता। बहुत बड़ा खुला सा मैदान, आरामदायक घास। ये घास कम से कम 1.5 फुट लंबी घास होती है। विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बहुत ही सुंदर एवं पवित्र वातावरण, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे स्थान पर मन स्वयं प्रभु के चरणों में लग जाता है। आपने देखा होगा कि बद्री धाम में एक भी वृक्ष नहीं है और यहाँ पर इतनी ऊंचाई में इतने अनगिनत विशाल भोजपत्र के वृक्ष मिलेंगे कि विश्वास ही नहीं होता। पूर्व काल में ऋषि मुनि इन भोजपत्रों की छाल निकालकर उन पर पुराण लिखते थे। मां लक्ष्मी जी प्रकृति का रूप बनकर यहां पर वास करती हैं। भक्तों, जब 5 पांडव स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा कर रहे थे तो नकुल लक्ष्मी वन तक ही जा सका और यहीं पर नकुल ने अपना शरीर त्याग दिया था। यहाँ का मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और शाम को तो अक्सर बारिश होती है। यात्री स्वर्गारोहिणी यात्रा का पहला विश्राम लक्ष्मी वन में ही करते हैं। आसपास छोटी छोटी गुफाएं हैं। ज्यादा यात्री हो तो चट्टानों की ओट में तिरपाल लगाकर गुजारा कर लेते हैं। इस यात्रा में यात्री को अपने साथ टेंट ले जाना अति आवश्यक है। दूसरे दिन सुबह सुबह यात्री ओम नमो नारायण का जाप करते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। कुछ यात्री यहीं से वापस लौट जाते हैं। पत्थरों के ऊपर कभी झरनों को पार करते,
नमो नारायण का जाप करते हुए ये अमूल्य यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो यात्री नंगे पांव यात्रा करता है उसे एक कदम से एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहीं पर गुफाएं भी नजर आती हैं। चारों ओर बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य देखने को प्राप्त होता है और यात्री इन सब को प्रणाम करते हुए नारायण नाम जपते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। यहीं से सामने एक पहाड़ दिखाई देता है। इस पहाड़ से दो घाटियां नजर आती हैं। इसमें से एक घाटी का रास्ता अलकापुरी को जाता है और दूसरी घाटी का रास्ता सतोपंथ स्वर्गारोहिणी जाता है। जय जय नारायण नारायण। और अलकापुरी से ही माँ अलकनंदा का उद्गम स्थल है। ग्लेशियर के बीच से माँ अलकनंदा निकलती है। वास्तव में माँ अलकनंदा स्वर्गारोहिणी के पास विष्णु कुंड से निकलकर अलकापुरी में दिखाई देती है, इसलिए इसको विष्णुपदी गंगा कहते हैं। यात्रा में कभी कभी टीम का मुखिया सबको पुकारता चलता है, कोई रास्ता भटक ना जाए या फिर कोई पीछे ना रह जाए। सामने ही पहाड़ की एक दीवार सी दिखाई देती है। इस दीवार नुमा पहाड़ पर हजारों झरने दिखाई देंगे जिन्हें देखकर यात्री अपनी थकान भूल जाता है, प्रभु की अपार माया के दर्शन करता है। ऐसा मनमोहक दृश्य शायद ही कहीं संसार में देखने को मिले। इन दृश्यों को देखकर यात्री गदगद हो जाता है। अतः इस स्थान को सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, पांच पांडवों में से सहदेव इस स्थान तक ही आ सका था और सहस्त्रधारा के पास सहदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया था। जय जय नारायण नारायण। इस यात्रा में यात्रियों को कुछ कुत्ते अवश्य मिलते हैं, परंतु दो कुत्ते ऐसे होते हैं जो यात्रियों के साथ चलते हैं और यात्रियों को सतोपंथ तक छोड़कर आते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जब पांच पांडव स्वर्ग गए तो उन्हें भी रास्ते में एक स्वांग मिला था। ये स्वांग साधारण नहीं था, बल्कि युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए स्वांग के भेष में स्वयं धर्मराज थे। स्वर्गारोहिणी की यात्रा में युधिष्ठिर के चार भाई और पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया था, परंतु स्वांग उनके साथ साथ चलता रहा। कोई भी यात्री यदि स्वर्गारोहिणी चाहता है तो उनको आज भी ये स्वांग मिल जाते हैं और आपको स्वर्गारोहिणी तक छोड़कर आते हैं। इनको देखकर लगता है कि ये सदियों से रीत चली आई है कि जो भी सत्य पथ के मार्ग पर चले तो धर्म उनके साथ आज भी है।
सहस्त्र धारा को पार करके एक तलवार नुमा पहाड़ी पर चलना पड़ता है। इस समय हम बादलों के बीच में पहुंच गए हैं। पहाड़ की दोनों ओर खाई है, बिल्कुल पहाड़ की नोक पर चलना कठिन है। इस समय हम नीलकंठ पर्वत के पीछे हैं। ये नीलकंठ पर्वत का पीछे का भाग है, यानी ठीक श्री केदारनाथ के पीछे का भाग, यानी हम श्री केदारनाथ के ठीक पीछे चल रहे हैं। आगे नीचे उतरकर मैदानी जगह आती है। रास्ते में नारायण भक्त को कुछ संत मिलते हैं जो स्वर्गारोहिणी से लौटकर आ रहे हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए आगे आता है एक मैदान। बड़ा ही सुंदर, चारों ओर पानी, जल धाराएं, लाल लाल फूलों के बीच बैठने का मन होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यहाँ पर यात्री पंच स्नान आदि करके चाय पीते हैं और कुछ भक्ति में लीन हो जाते हैं। नारायण नारायण हरि हरि। यहाँ पर एकाग्र चित्त होकर भगवान का जाप करो तो श्री नारायण की छवि हृदय में उतर आती है। लगता है भगवान बद्री विशाल से साक्षात्कार हो रहा है। ये सब अनुभव की बातें हैं। केदार खंड में लिखा है कि घर में प्राणी 100,000 माला जाप करे और सतोपंथ में 1 माला जाप करे, एक ही बराबर है। फिर क्यों ना हम भी भक्ति में लीन होकर अपनी यात्रा को सफल करें। और अब हम अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए चक्रतीर्थ की ओर चलते हैं। सहस्त्र धारा से 3 किलोमीटर चलने के बाद आता है चक्रतीर्थ। बहुत बड़ा मैदान गोला आकार का सूखे तालाब की तरह दिखाई देता है। इतनी ऊंचाई पर हिमालय में इतना बड़ा मैदान देखकर अचंभा होता है। भक्तों, 5 पांडव जब स्वर्गारोहिणी की ओर जा रहे थे तो वीर अर्जुन चक्र तीर्थ तक ही आ सका था और यहीं पर अर्जुन ने अपना शरीर त्याग दिया था। इससे आगे भीम, युधिष्ठर और स्वांग के रूप में धर्मराज गए थे। चक्र तीर्थ में कुछ गुफाएं हैं, अतः यात्री अपनी यात्रा का दूसरा रात्रि विश्राम इन्हीं गुफाओं में करता है। कुछ यात्री आगे भी चले जाते हैं। यात्री रात का भोजन इत्यादि करके नारायण भक्त के साथ भजनों का आनंद लेते हैं। कण कण में बसे हैं हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। और दूसरे दिन आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चारों ओर बर्फीली चोटियां हैं। अब तो बादल भी नीचे रह गए, हम बादलों के ऊपर पहुंच गए। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चक्र तीर्थ से आगे ये चढ़ाई बहुत ही कठिन है। ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। हम इस समय लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। श्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण। इस चोटी से सामने सतोपंथ टॉप दिखाई देता है। नारायण श्री नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और कुछ हिस्सा स्वर्गारोहिणी का। नारायण श्री नारायण सृष्टि दाता नारायण नारायण श्री नारायण। इस चोटी के बाद रास्ता और कठिन हो जाता है। श्रीमन नारायण जपले प्राणी नारायण जय जय श्री।
प्राणी नारायण। मुक्ति मिलेगी भक्ति मिलेगी भज ले प्राणी नारायण। मुक्ति मिलेगी भक्ति मिलेगी भज ले प्राणी नारायण। चारों ओर बड़े बड़े पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करना पड़ता है, एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाना पड़ता है और इस चोटी पर कुछ संत आ रहे हैं, शायद स्वामी नारायण वाले महाराज हैं। ये माता जी भी सतोपंथ तक होकर आ रही हैं। इनको सतोपंथ के दर्शन से इतना आनंद मिला कि अपने आप को प्रभु चरणों में लगाकर धन्य हो गई है। देख के कितना रोया क्या, अभी हमको कुछ पता नहीं कि मैं वो सतोपन देख के कितना रोया, मन नहीं लगता है जाने का। ये तीर्थ है ही ऐसा जिसके दर्शन से प्राणी की आंखों से भक्ति रस की गंगा बहने लगती है। चक्र तीर्थ से सतोपंथ तक 3 किलोमीटर का रास्ता यात्री की कठिन परीक्षा ले लेता है। ये रास्ता साधारण नहीं बल्कि हमको ग्लेशियरों के ऊपर चलना पड़ता है। नीचे पानी बहता है, ऊपर 20-30 फीट का ग्लेशियर और ग्लेशियर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर चट्टाने पार करनी पड़ती हैं। इन पर पांव संभल कर रखना पड़ता है। यह रास्ता नहीं बल्कि यात्री को एक स्थान पर खड़े होकर सामने रास्ते का चिन्ह देखना पड़ता है। यह चिन्ह एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर बनाया जाता है। इस प्रकार यात्री इन चिन्हों को देखकर रास्ते का अनुमान लगाकर चलता है। एक चोटी पर पहुंचकर सामने अलकापुरी का टॉप दिखाई देता है। ये कुबेर का मुकुट है। यही वो जगह है जहां से रावण अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान जीतकर ले गया था। यही पर कुबेर के भंडार हैं। यहीं से तिरुपति बालाजी ने पद्मावती से शादी करने के लिए कुबेर से कर्जा लिया था। तीन किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद सामने ही त्रिकोण रूप में एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई देता है। जब यात्री सतोपंथ के दर्शन करता है तो ऐसा लगता है मानो कंगाल को खजाना मिल गया हो, जैसे तपस्वी के सामने मूर्तिमय सिद्धि स्वयं आकर खड़ी हो गई हो। इतना स्वच्छ कांच के समान हरे रंग का जल, यात्री का हृदय सतोपंथ के दर्शन करके भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। ये स्थान दुनिया में एक ऐसा स्थान है कि प्राणी यहां पर आने के बाद संसार में वापस जाने की इच्छा नहीं रखता। इस सरोवर का जल इतना पवित्र है कि यदि इसमें कोई गलती से तिनका भी डाल दे तो ये पक्षी इस तिनके को अपनी चोंच से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। यहां के पक्षी भी सात्विक भाव के ही मिलेंगे, ये पक्षी और कहीं नहीं मिलते। यहीं पर आसपास में ही गुफाएं हैं, यात्री इन्हीं गुफाओं में आकर ठहरते हैं या फिर टेंट लगाकर अपनी ठहरने की व्यवस्था करते हैं। ऋषि मुनि संत यहीं पर इन गुफाओं में रहकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है एकादशी के दिन यहां साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव सतोपंथ सरोवर में स्नान आदि करके तपस्या करने आते हैं। सतोपंथ के दर्शन पूजा स्तुति करने से क्या फल प्राप्त होता है ये स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, तो फिर हम क्या कहें। यात्री सिर्फ यहीं तक ही जाते हैं और पांचों पांडवों में से भीम सतोपंथ तक ही जा सका और यहीं सतोपंथ में अपना शरीर त्याग दिया। यात्री भी सतोपंथ में स्नान करके तपस्या करते हैं। कोई कोई तो अपने ठाकुर जी को स्नान कराकर पूजा करता है।
दूसरे दिन कुछ यात्री जो स्वर्गारोहिणी जाना चाहते हैं वो स्वर्गारोहिणी की ओर चल पड़ते हैं। अब रास्ता और भी कठिन है। स्वर्गारोहिणी हम मोनी महाराज के साथ जा रहे हैं। ये मोनी महाराज यहीं सतोपंत में 12 महीने रहकर साधना करते हैं। ये किसी से बात नहीं करते, बस मौन रहते हैं। किसी से कुछ लेने देना भी पसंद नहीं करते। यहाँ पर रहने वाले संत कभी कच्चे आलू खाकर या फिर पानी में आटा घोलकर पी लेते हैं। ये जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे भूख नहीं लगती। बस ये लोग प्रभु चरणों में लीन रहते हैं। ये भी एक नशा है, ऊंचे हिमालय में जहां भगवान के सिवा कोई नहीं रहता। तलवार की धार जैसी पहाड़ी पर चलना पड़ रहा है। दूर चोटी पर पहुंचना है। आगे फिर ग्लेशियर के ऊपर से जाना है। दूर से कहीं विस्फोट की आवाजें आ रही हैं। शायद ये ऊपर ग्लेशियर टूट रहे हैं। यात्री तो श्री नारायण का जाप करते हुए चलते ही रहते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। दूर चोटी के बाद पहले चंद्रकुंड आता है। यहाँ पर चंद्रमा ने 88,000 वर्ष तक अष्टाक्षरी मंत्र से जाप करके श्री नारायण से नक्षत्रों के राजा होने का वर मांगा था। इस कुंड का जल चंद्रमा की तरह ही घटता बढ़ता रहता है और हम अमावस्या के एक दिन पहले यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर जल बहुत कम है। कल पूरा सूख जाएगा। पूर्णमासी के दिन ये चंद्र कुंड पूरे जल से भरा होता है। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। चंद्र कुंड के बाद सूर्य कुंड आता है। जपो नारायण नारायण हरि हरि। यहाँ पर यात्री पूजा अर्चना करते हैं। जो भी प्राणी यहाँ पर पूजा करते हैं और सूर्य नारायण का जाप करते हैं वो प्राणी सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य कुंड के बाद पहाड़ की नोक पर चलना पड़ता है। दोनों तरफ खाई है, यहाँ पर संभल कर चलना पड़ता है। जरा सा पांव फिसला नहीं कि राम नाम सत्य का प्रमाण मिल जाएगा। इसी धार के बाद यात्री पहुंचते हैं स्वर्गारोहिणी के नीचे ग्लेशियर तक। यहां पहुंचकर प्राणी धन्य हो जाता है। इसी के ऊपर स्वर्गारोहिणी है। यहीं पर तीन सीढ़ियां दिखाई देती हैं। कहते हैं कि कुल 7 सीढ़ियां हैं, परंतु बादलों के कारण हमें कम ही दिखाई दे रही हैं। यही वो स्थान है जहां पर धर्मराज युधिष्ठर और स्वांग के रूप में स्वयं धर्मराज गए थे। जब युधिष्ठर को लेने के लिए विमान आया तो दूतों ने युधिष्ठर को आदर से विमान में बैठने को कहा। श्रीमन नारायण नारायण हरि। तो युधिष्ठर बोले, रास्ते में मेरे भाई एक एक करके मेरा साथ छोड़ते गए, परंतु सिर्फ यही एक स्वांग है जिसने मेरा साथ यहाँ तक दिया। इसका मतलब मेरे ज्यादा पुण्य इस स्वांग ने किए हैं, इसलिए यदि ये स्वांग स्वर्ग जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा।
ये सुनकर धर्मराज ने स्वांग का रूप छोड़कर युधिष्ठिर को दर्शन दिए और कहा, वाकई में तुम धर्मराज हो। भक्त जनों, यही वो स्थान है जहां से प्राणी शरीर सहित स्वर्ग जा सकता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हम आए शरण तिहारी हरि हरि हरि, हम आए शरण तिहारी।